हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सर हियर, और हम वर्क और एनर्जी के चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो पिछले डिस्कशन में हमने क्या डिस्कस किया था, सीधा सीधा सिंपल तरीके से बताया जाए, वी हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या रिलेशन था वो? वो ये रिलेशन था कि एक सिस्टम पे टोटल वर्क डन कितना होता है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम उसको वर्क एनर्जी थ्योरम बताते हैं, है ना। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कम ऑन पीपल, वन मोर टाइम, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क, रिलेशन ऑफ वर्क विद द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पीपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काइनेटिक एनर्जी जैसा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके बारे में तुमने छोटे में ऑलरेडी क्लास 9-10 में सीखा होगा, बट आज हम इसको जीरो से समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। सी पीपल, कि यहाँ पर हमारे पास एक टोमेटो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और हमने टोमेटो को ऊपर की तरफ उछाला, वी हैव थ्रोन द टोमेटो अपवर्ड्स, राइट। तो अगर मैंने इस टोमेटो को ऊपर की तरफ उछाला, कैन आई से दैट दिस टोमेटो नाउ हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, राइट। बिकॉज मेरे हाथ ने टोमेटो पे वर्क किया होगा, एनर्जी दिया होगा, और कितना एनर्जी दिया, बाय द टाइम द टोमेटो जस्ट मूव्स आउट ऑफ द हैंड, इसका काइनेटिक एनर्जी का अकाउंट फुल है, कितना एनर्जी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना। एंड यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे ये टोमेटो ऊपर जाते रहता है, इट स्लोज डाउन, ये धीरे होते रहता है, इसका स्पीड का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। विच मीन्स, अगर मैं इसी चीज़ को एनर्जी के टर्म्स में बताना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि एज द टोमेटो मूव्स अप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोमेटो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। कम ऑन पीपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोमेटो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और इसका रीज़न भी हमको पता है। कम ऑन पीपल, सोचो इसका रीज़न क्या है। काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इस टोमेटो पे कोई ना कोई नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, क्योंकि मैंने तुमको सिखाया है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, और अगर वर्क डन नेगेटिव होता है तो उस ऑब्जेक्ट से या उस सिस्टम से एनर्जी निकाला जाता है। यहाँ पर वी ऑल नो एज द टोमेटो मूव्स अप, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे ये टोमेटो जो है ये अगर मूव करेगा, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, which is acting in the downward direction. और ये move किस तरफ कर रहा है, this is moving in the upward direction, right? So definitely ये जो gravitational force है, ये कैसा काम कर रहा है, this is doing negative work on the tomato. Negative work on the tomato मतलब ये क्या कर रहा है, it is extracting kinetic energy out of the tomato. क्या कहा मैंने जनता, कि यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, आई एम टॉकिंग फॉर द अपवर्ड मोशन, व्हेन द यू नो टोमेटो इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, इस अपवर्ड मोशन के लिए बात कर रहा हूँ, जब ये टोमेटो ऊपर की तरफ एसेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे मूवमेंट में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी का वर्क डन कितना है पूछूँ, वो तो निकालेंगे, बट उसका नेचर पूछूँ तो वो वर्क डन नेगेटिव होगा, बिकॉज फोर्स नीचे की तरफ है एंड डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है ना, फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव, एंड वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब है कि सिस्टम से ग्रेविटी जो है, एम जी जो है, एनर्जी निकाल रहा है, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा है। और हमने क्या सीखा है यार, एनर्जी को निकाला जा रहा है, मतलब एनर्जी नाउ इज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो बैंक वाला एग्जांपल दिया था कि अगर एक बैंक अकाउंट में पैसा घटता है, डेबिट होता है, तो किसी ना किसी बैंक अकाउंट में तुमको क्रेडिट दिखाई देगा। सिमिलरली, अगर इस टोमेटो का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो इस सिस्टम का कुछ ना कुछ और एनर्जी इंक्रीज हो रहा होगा। इन दिस केस जो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। That means ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनना, ऑफ टोमेटो अर्थ सिस्टम, टोमेटो अर्थ सिस्टम। क्यों भी देखो, अच्छा धीरे धीरे, वन बाय वन, फिर से और एक बार, जो काइनेटिक एनर्जी निकला वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसका नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और मैंने टोमेटो अर्थ सिस्टम क्यों बोला, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने कहा, बोलो तो काइनेटिक एनर्जी किसका है, तुम फटाक से बोलोगे सर ये जो काइनेटिक एनर्जी है टोमेटो का काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अभी जो ये काइनेटिक एनर्जी जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी एक ऑब्जेक्ट का नहीं होता, ये एक सिस्टम का होता है।
और ये पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट करने वाला कौन है, एमजी है। और एमजी फोर्स किसके बीच लगता है, एक एमजी टोमेटो में लग रहा है, दूसरा एमजी जो इसका रिएक्शन है पहले भी सिखाया था किस पर लग रहा है, अर्थ पर लगता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ना सिर्फ टोमेटो का है ना सिर्फ अर्थ का है, ये किसका है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टोमेटो अर्थ सिस्टम। समझ में आया? यस पीपल, तो सीधा सीधा मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, मैंने क्या कहा, इफ काइनेटिक एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड विच मीन्स वर्क डन हैज टू बी नेगेटिव, इट इम्प्लाइज दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू इंक्रीज। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तभी ना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? पक्का? अगर तुम काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए वर्क डन नेगेटिव होना पड़ता है, और नेगेटिव वर्क होने से ही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। आई थिंक सो, ये जो कॉन्टेक्स्ट है तुम लोगों को समझ में आया, राइट? लेट मी यू नो टेक सम वैल्यूज इन दिस केस। लेट अस से दिस टोमेटो हैज मूव्ड अप बाय हाइट ऑफ एच। लेट अस से कितने हाइट तक ट्रैवल करता है ऊपर, लेट अस से एच हाइट तक ये टोमेटो ऊपर जाता है ना। सो व्हाट इज अ वर्क डन ऑन द टोमेटो बाय ग्रेविटी। चलो मैं ग्रेविटी लिख देता हूँ। ऑन टोमेटो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम, कम ऑन पीपल, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम, मार्क करके देता हूँ, वन टू लोकेशन टू, है ना, कितना वर्क डन किया होगा। इट्स वेरी सिंपल, फोर्स कॉन्स्टेंट होता है, एम जी लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एच, है ना, विथ ए माइनस एन। क्यों माइनस लिखा? बिकॉज यहाँ पर टोमेटो पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, सो दैट इज द रीजन हमने वर्क डन में नेगेटिव लिखा। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तुमको ये समझना है कि जितना भी ग्रेविटी एनर्जी निकाल लेता है सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जनता, इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। और यहाँ पर कम ऑन पीपल, इस वर्क डन के चलते ग्रेविटी ने जितना भी एनर्जी निकाला सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस, देखो मैंने प्लस एमजीएच लिखा। प्लस क्यों लिखा? बिकॉज इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी has increased, है ना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या किया है, इंक्रीज किया है। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा पीपल? आर गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज यहाँ पर ग्रेविटी ने जितना भी एनर्जी निकाला, जितना भी वर्क डन करके एनर्जी निकाला, जितना भी काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एंड हैज बिकॉज इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, हमने डेल्यू का वैल्यू प्लस एमजीएस लिखकर रखा है, ठीक है। तो अभी अगर मैंने तुमको पूछा जनता ये बताओ वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है, तो कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो इन दिस केस, तो यहाँ पर डेल्यू, हमने डेल्यू लिख दिया, एंड एम जी एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। कम ऑन पीपल, एम जी एच इन दिस केस इज व्हाट, माइनस को अगर इस तरफ लेके चले जाओगे दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो देखो ये जो है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। बोलो ये समझ में आया? Do you understand this? Okay people, now let's talk about the path जब ये tomato ऊपर से नीचे आएगा, है ना, मैं mark करके देता हूँ, एक मिनट। Yeah. Let us say when the tomato moves from the part 2 to the point 3. जब ये नीचे मूव करके आएगा, what is going to happen? Now, अभी अगर मैं work done के बारे में बात करूँ जनता, if I talk about work done in the part 2 to 3 by mg, है ना, ऑन टोमेटो, राइट, अंडरस्टैंड पीपल, बाई एम जी ऑन टोमेटो, उसके वैल्यू कितना आएगा? उसके वैल्यू तो प्लस आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस एम जी एच, यस और नो? टोमेटो एच डिस्टेंस नीचे उतरता है और एम जी जिस तरफ लगता है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि वर्क डन क्या होगा, इसका मतलब है वर्क डन पॉजिटिव होगा, है ना, तो वर्क डन इन दिस केस विल बी पॉजिटिव। बट एक बात बताओ, वर्क डन अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वर्क डन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी जो है इस टोमेटो को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, ग्रेविटी जो है इस टोमेटो को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो अगर इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होगा, आ रहा होगा, बिकॉज एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। तो जैसे जैसे ये टोमेटो नीचे जाते रहता है, ये फास्ट मूव करना चालू करता है, इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। तो ये एनर्जी आया तो आया कहाँ से? ये आया जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस केस. सो 2 to 3 वाले मूवमेंट में मैं ये कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, लेकिन व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टोमेटो अर्थ सिस्टम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टोमेटो अर्थ सिस्टम इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो जैसे मैंने कहा था कि डेल यू जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन. इन दिस केस डेल यू नेगेटिव ऑफ वर्क डन हम पुट कर देंगे, इन दिस केस कितना आ जाएगा जनता, दैट इज MGH. और ध्यान से देखो यहाँ पर डेल यू का जो साइन आया है वो नेगेटिव आया है. नेगेटिव का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. एंड ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा बिकॉज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, और ये जो इंक्रीमेंट आया है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वही कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी बना. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी ना हम और एक केस लेते हैं, उसी केस को लेके हमने जो अभी जस्ट सीखा है उसको और एक बार अप्लाई करते हैं, ठीक है. और ये हो गया हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया सा पिक्चर, एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग है जो कि एक वॉल के साथ फिक्स्ड है, ठीक है. अभी हमने क्या किया, हमने इस ब्लॉक को एब्रप्टली धक्का दिया मतलब इसको हमने कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिया. राइट, अंडरस्टैंड पीपल, लेट अस से अभी इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, मैंने मान लिया हाफ mv स्क्वायर अभी काइनेटिक एनर्जी है ना. तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी और ये ब्लॉक अगर राइट की तरफ मूव करना चालू करता है, कैन यू इमेजिन ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक पे किस तरह फोर्स लगाएगा. मैं दिखाता हूँ. तो ये अगर हमारा ब्लॉक है, ऑब्वियसली ये स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा. तो स्प्रिंग अगर कंप्रेस होना चालू होगा, ये ब्लॉक को बाहर की तरफ धक्का देगा. तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है और ब्लॉक का मूवमेंट इस तरफ है, यू नो, ब्लॉक का मूवमेंट इस तरफ है. सो डेफिनेटली अभी स्प्रिंग जो है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवमेंट. अभी स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क कर रहा है. क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस केस? वर्क डन बाय द स्प्रिंग इन दिस केस विल बी इक्वल टू -1/2 kx2. ये फॉर्मूला तो तुमको याद रखना पड़ेगा. मैंने पहले तुमको जब वेरिएबल फोर्स डिस्कस कर रहा था तब वर्क डन बाय स्प्रिंग ये बता के रखा था कि ये कैसे डिराइव होता है, ठीक है. अगर याद नहीं है उसको एक बार देख लेना, लेकिन याद रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो इन दिस केस स्प्रिंग ने जो वर्क डन किया है उसका वैल्यू कितना है? -1/2 kx2. माइनस का मतलब क्या है बताओ? माइनस का मतलब है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड आउट. कम ऑन पीपल, इस ब्लॉक के पास जो ये काइनेटिक एनर्जी ½mv², इसको निकाला गया है. किसने निकाला है? स्प्रिंग ने निकाला है ना. और ये ब्लॉक जब मूव करेगा, इनिशियली उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जैसे ये राइट की तरफ मूव करेगा ये स्लो डाउन होना चालू करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करना चालू करेगा और एक मोमेंट के लिए रुक जाएगा, है ना. सो एट दैट मोमेंट इसका सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया है? इसका सारा काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. क्या वर्ड मैंने यूज किया जनता? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये स्प्रिंग फोर्स किसके बीच लग रहा है? ये स्प्रिंग फोर्स हमारे ब्लॉक एज वेल एज स्प्रिंग दोनों के बीच लग रहा है. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसको बिलोंग करता है? ये तुम्हारे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को बिलोंग करता है. लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी ½mv², ये किसको बिलोंग करता था? ये सिर्फ तुम्हारे ब्लॉक को बिलोंग करता था. इस बात को समझो, ठीक है. सो लेट अस गेट बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. यहां पर क्या हुआ, तुमने अब्रप्टली ब्लॉक को धक्का दिया, उसके पास बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी है, तुम्हारे स्प्रिंग फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क करके एनर्जी निकाला और किस में कन्वर्ट कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. सो डेफिनेटली इन दिस केस अगर मैं डेल यू का वैल्यू लिखना चाहूँ, इट हैज टू कम इन पॉजिटिव बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज इन दिस केस. एज काइनेटिक एनर्जी घटा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा. एक बार देखते हैं हमने फॉर्मूला क्या सीखा है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन. और यहाँ पर वर्क डन का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? माइनस, पहले से है -1/2 kx² पुट कर दिया, तो ये कितना आ गया? दिस इज ½kx². That means this much amount of potential energy has increased. तुम्हारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना अमाउंट इंक्रीज हो गया है. बट वट विल हैपन आफ्टर दैट? कम ऑन पीपल, रिमेंबर ये ब्लॉक मूव कर रहा था, स्लो डाउन करते 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 फाइनली रुक जाएगा. उसके बाद ये स्प्रिंग तुम्हारे ब्लॉक को धक्का देके फिर लेफ्ट की तरफ मूव कराएगा. कम ऑन पीपल, जब ये ब्लॉक मूव करते 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 फाइनली रुक जाएगा, उसके बाद ये स्प्रिंग तुम्हारे ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ धक्का देगा, लेफ्ट की तरफ धक्का देगा. एंड इन दैट सिचुएशन इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगा रहा होगा? इसी तरफ लगा रहा होगा और इसका मूवमेंट भी इसी तरफ हो रहा होगा. सो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन, अगर हम वर्क डन बाय स्प्रिंग देखें, लेट अस से अगर ये एक्स डिस्टेंस अंदर घुस चुका है, जब ये ब्लॉक ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को धक्का देके फिर एक्स डिस्टेंस इस तरफ लेके आ जाएगा,
कमॉन पीपल, क्या कहा मैंने? अगर ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, उसके बाद जब ये स्प्रिंग फिर से खुलना चालू करेगा, जब ये स्प्रिंग ब्लॉक को धक्का देके एक्स डिस्टेंस फिर से उल्टा लेके आ जाएगा, तब स्प्रिंग ने कितना काम किया? डेफिनेटली फिर से उतना ही काम किया होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द एक्स इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. और इन दिस केस इस वर्क डन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव इसलिए होगा बिकॉज अभी तुम्हारे इस ब्लॉक में जो वर्क हो रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क होने से ब्लॉक को हमेशा काइनेटिक एनर्जी मिलता है. इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ये जो इंक्रीज हुआ है, दिस इज एट द एक्सपेंस ऑफ द डिक्रीमेंट ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. इस ब्लॉक के पास अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, कहाँ से आया ये एनर्जी? ये आया ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अभी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन, जब वो ब्लॉक जब ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस से अनकंप्रेस स्टेट में फिर से जाएगा, इस सिचुएशन में स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी फिर से डिक्रीज करेगा. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि डेल यू का साइन नेगेटिव आना चाहिए. एंड इफ यू यूज द फॉर्मूला डेल यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और वर्क डन का नेगेटिव अगर हम पुट करें तो कितना आ जाएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. नेगेटिव में आया ना डेल यू का साइन? कम ऑन पीपल, नेगेटिव में आया अगर डेल यू का साइन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से कम है. डेल यू हमेशा क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही तो होता है. और अगर ये नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी लेस देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, वो घटा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है. वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है. इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? ओके पीपल, नाउ आई फील कि तुमको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया. सीधा सीधा बोला जाए, अगर नेगेटिव वर्क होता है तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और एक सिस्टम पर अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो वही पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होकर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उस सिस्टम को मिलेगा. एज सिंपल एज दैट. लेकिन इसके पीछे और एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. ये जो हम वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसा वैसा फोर्स का वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता. क्या कहा मैंने जनता? मैंने कहा कि ऐसा वैसा फोर्स का वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता. देयर इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ फोर्सेस जिसके वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है. क्या कहा मैंने? देयर इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ फोर्सेस. जो फोर्सेस काम करेगा तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा. हर फोर्स के नेगेटिव वर्क के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं होता. इसी चीज़ को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. जो ध्यान से फोकस करके आगे का डिस्कशन सुनो. ठीक? ओके पीपल, नाउ ये जो टोमेटो वाला एग्जांपल था, ये हम फिर से लेते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनो इसमें हुआ क्या है. एक टोमेटो था, तुमने उसको शूट किया, ऊपर थ्रो किया, इसके इसका जो एनर्जी अकाउंट है तुमने काइनेटिक एनर्जी से भर दिया. कितना काइनेटिक एनर्जी था? हाफ एम वी स्क्वायर. और जैसे जैसे टोमेटो ऊपर जाता है, ये स्लो डाउन होते रहता है, स्लो डाउन होते रहता है, और हाईएस्ट पॉइंट में पूरा उसका काइनेटिक एनर्जी का अकाउंट खाली हो चुका है. इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाता है, इसका काइनेटिक एनर्जी भी कम्प्लीटली जीरो हो गया. और इसके पीछे का रीज़न क्या है? आई नो दैट तुमको अभी ये पता चल चुका है. तुम लोग क्या बोलोगे? सर जब ये टोमेटो 1 to 2 जाता है, यहाँ पर एमजी ने काम किया है. और सर एमजी ने कैसा काम किया है? माइनस एमजी एच, नेगेटिव वर्क किया. अगर मैं एच हाइट मानता हूँ, यहाँ पर एमजी ने नेगेटिव वर्क किया और उसका वैल्यू कितना? माइनस एमजी एच. और यही नेगेटिव वर्क के लिए सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी निकल चुका है. पर एक बात बताऊँ, जब ये टोमेटो फिर से ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है? इट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर. और फिर से टोमेटो जब उसी लेवल पे पहुंच जाएगा, मैंने पहले तुमको काइनेमेटिक्स में भी सिखाया था, उसी स्पीड से रिटर्न आएगा. वो उसी लेवल पे उसका स्पीड पहले जैसा ही होगा. अगर यहाँ पर स्पीड वी था तो यहाँ पर भी स्पीड वी ही होगा, विच मीन्स यहाँ पर भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा जितने काइनेटिक एनर्जी से उतने अपना इनिशियल जर्नी चालू किया था. तो जब यहाँ पर पहुँचा, उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर. और जब उसने अपना मूवमेंट चालू किया, उस वक्त भी कितना काइनेटिक एनर्जी था? हाफ एम वी स्क्वायर. लेकिन याद करो जनता, दिस हाफ एम वी स्क्वायर वाज लॉस्ट. एम जी ने निकाल लिया था फॉर इन द मोशन ऑफ द पार्ट 1 to 2. जब इस रास्ते में टोमेटो मूव कर रहा था, एम जी ने निकाल लिया था ये सारा एनर्जी. बट जब ये टोमेटो फिर से 2 से लेके 3 तक मूव कर रहा था, 2 से लेके व्हेन इट मूव्ड टू 3, तब ये देखा गया कि हमारे एमजी ने क्या काम किया. हमारे एमजी ने इस बार पॉजिटिव वर्क कर दिया. उसका वैल्यू कितना हो गया? प्लस एमजी एच. और पॉजिटिव वर्क करने का मतलब ये है कि एमजी ने फिर से
जितना एनर्जी उसने निकाला था फर्स्ट हाफ में, देखो कितना एनर्जी निकाला था माइनस एम जी एच, उतना ही एनर्जी फिर से इस टोमेटो को रिटर्न कर देता है। एंड दैट इज़ द रीज़न जब वो फिर से इसी लेवल पर पहुँचता है उसका काइनेटिक एनर्जी पहले जैसा ही होता है। जितना काइनेटिक एनर्जी उसने पहले लॉस किया था उतना ही काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटी नेक्स्ट हाफ ऑफ द मोशन में, दैट इज़ द मोशन फ्रॉम 2 to 3, इसी हाफ ऑफ द मोशन में ग्रेविटी ने फिर से वो एनर्जी रिटर्न सप्लाई कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया और फाइनली वही वैल्यू तक पहुँच गया जितना पहले था उसके पास, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। इज दैट क्लियर पीपल? बोलो समझ में आया नहीं आया? नाउ जनता, आई वॉन्ट यू नाउ टू फोकस नॉट ऑन द एनर्जी बट ऑन द फोर्स। लेट अस टॉक अबाउट द फोर्स एम जी। एम जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बुलाते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, फॉर द मोशन 1 to 2 एम जी ने चोरी किया था, चोरी किया था, क्या चोरी किया था, किसका चोरी किया था, एनर्जी का चोरी किया था। कितना एनर्जी चोरी किया था जनता? माइनस एम जी एच, एम जी एच अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने निकाल लिया उस टोमेटो से, है ना। और हमने देखा फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द मोशन व्हेन द टोमेटो वाज मूविंग फ्रॉम 2 to 3 एम जी जो अपने फर्स्ट हाफ में, कौन से हाफ में, 1 to 2 वाले मोशन में जब वो चोर था, वो एनर्जी का चोरी कर रहा था, लेकिन इन द नेक्स्ट हाफ लाइफ जब ये टोमेटो ऊपर से नीचे आ रहा था वो बदल गया एम जी। एम जी ने चोरी छोड़ दिया और नेक्स्ट हाफ में एम जी ने क्या किया, जितना एनर्जी चोरी किया था, कितना एनर्जी चोरी किया था एम जी एच, उतना ही एनर्जी फिर से क्या कर दिया, रिटर्न सप्लाई कर दिया। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि एम जी जो है, नो डाउट फर्स्ट हाफ में इस टोमेटो से एनर्जी निकाल लिया था, लेकिन सेकेंड हाफ में जितना एनर्जी निकाला था उसने फर्स्ट हाफ में, सारा का सारा उसने रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स एम जी ने यहाँ पर जो एनर्जी निकाला था उसको वेस्ट नहीं किया। डेफिनेटली एम जी ने फर्स्ट हाफ में जो उसने एनर्जी निकाला था, कितना एनर्जी निकाला था, एम जी एच एनर्जी निकाला था, उसने कंजर्व करके रखा होगा, कंजर्व्ड द एनर्जी। यस एंड नो पीपल, मैंने क्या कहा, उसने जो एनर्जी निकाला होगा उस एनर्जी को क्या करके रखा होगा, कंजर्व करके रखा होगा। कंजर्व का मतलब क्या है, सेव करना, कंजर्व द फॉरेस्ट, सेव द फॉरेस्ट, सुना होगा ये सब चीज़ें, है ना, कंजर्व करके रखा होगा, सेव करके रखा होगा। इसका मतलब ये है कि एम जी जो है एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर वो कंजर्व नहीं करता तो सेकेंड हाफ में फिर से उतना एनर्जी वो रिटर्न कैसे सप्लाई करता। कम ऑन पीपल, वन मोर टाइम, देखो फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन में जब ये टोमेटो 1 to 2 मूव कर रहा था, एम जी ने एनर्जी निकाल लिया, कितना एनर्जी निकाल लिया, एम जी एच निकाल लिया, करेक्ट। और सेकेंड हाफ में देखा गया कि एम जी ने उतना ही एनर्जी रिटर्न कर दिया, विच मीन्स कि एम जी ने जो एनर्जी निकाला, निकाल के उसने क्या किया होगा, स्टोर किया होगा, कंजर्व किया होगा। और हम जानते हैं कि किस फॉर्म में स्टोर किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया होगा, और फिर से उसी पोटेंशियल एनर्जी को फिर से कम्प्लीटली रिटर्न कर दिया, तो उस टोमेटो के पास पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना ही काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, हम कहेंगे कि उसने एनर्जी को कंजर्व किया, वेस्ट नहीं किया, बचा के रखा, उस बॉल को, सॉरी उस टोमेटो को फिर से रिटर्न कर पाया। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर हम जो ये फोर्स है एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको कैसा फोर्स बुलाएंगे, वी आर गोइंग टू कॉल एम जी एस व्हाट, वी आर गोइंग टू कॉल एम जी एस ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहा मैंने जनता, इसको मैंने कहा कि ये जो फोर्स है दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज फर्स्ट हाफ में जितना एनर्जी निकालता है सेकेंड हाफ में उतना ही एनर्जी दे देता है। और इसका मतलब है कि इस फोर्स ने जो एनर्जी निकाला था उसने उसको कंजर्व करके रखा था, सेव करके रखा था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बुलाते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स बुलाते हैं। अदर फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरे एग्जाम्पल्स है जो हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में जस्ट नाउ डिस्कस किया था, है ना। तुमने देखा होगा कि स्प्रिंग फोर्स ने फर्स्ट हाफ में कितना काम किया था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, सेकेंड जब वो ब्लॉक रिटर्न आ रहा था, स्प्रिंग फिर से जब एक्सटेंड हो रहा था तब उसने फिर से उतना ही एनर्जी रिटर्न सप्लाई कर दिया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग फोर्स को भी हम क्या बुलाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। और कोलम्स फोर्स तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा, या ये जो कोलम्स फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये तुम फिर से क्लास 12 में पढ़ोगे। दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस।
और हमेशा याद रखना, एक कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है। ओनली व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डस वर्क क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है। या तुम ऐसा कह सकते हो, व्हेन एवर ए कंजर्वेटिव फोर्स डस वर्क तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। क्या कहा मैंने, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वो जो कंजर्वेटिव फोर्स ने एनर्जी निकाला, मैंने क्या कहा, कंजर्वेटिव फोर्स ने जो एनर्जी निकाला वो जो सेव करता है, उसको बचा के रखता है। किस फॉर्म में बचा के रखता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बचा के रखता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को बनाने वाला कौन होता है, पोटेंशियल एनर्जी को बनाने वाला जो फोर्स होता है, इट हैज़ टू बी ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने जो तुमको वो इक्वेशन लिख के दिया था, जो फॉर्मूला लिख के दिया था, उसको मैं अभी कंप्लीट करूंगा। मैंने लिखा था वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल यू, है ना। अभी मैं यहाँ पर वर्क डन के नीचे क्या लिख दूंगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सारे फोर्सेज जो है वो कंजर्वेटिव नहीं होते। मैं थोड़ी देर में तुमको एग्जाम्पल दूंगा। क्या कहा मैंने जनता, कि सारे फोर्सेज कंजर्वेटिव नहीं होते। तुमको मैं ऐसा केस दिखाऊंगा जहां पर एक फोर्स एनर्जी निकालता है लेकिन रिटर्न नहीं करता। तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बुला सकते। ओनली ऐसा फोर्स जो कि एनर्जी निकालता है, उसको बचा के रखता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज द रीजन वो फिर से रिटर्न कर पाता है, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बुलाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बुलाते हैं। और सीधा सीधा बोला जाए, एक कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करेगा तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अगर नेगेटिव वर्क करेगा कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अगर वही कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, मतलब तुमने सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी दिया एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी घटेगा जब तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आर यू गेटिंग द पॉइंट पीपल? ओके, ये जो था कहानी, ये था कंजर्वेटिव फोर्स का कहानी। अभी मैं तुमको और एक एग्जाम्पल देता हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, कि तभी जाके तुमको क्लियर आइडिया, क्लियर डिफरेंस पता चलेगा कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक कंजर्वेटिव फोर्स में कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलो अभी हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, देखो कहानी ऐसा है कि हमने एक ब्लॉक लिया और एक रफ सरफेस पे इस ब्लॉक को हमने एब्रप्टली पुश कर दिया, स्लाइड करवा दिया। जब हमने पुश किया तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर, और ये स्लाइड करते 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 फाइनली यहाँ जाके रुक जाता है। अभी अगर मैं तुमको पूछूँ क्यों रुका, इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुका है, क्यों जीरो हो चुका है, अभी तुम्हारे पास जवाब होगा। तुम लोग फटाक से क्या जवाब दोगे, सर यहाँ पर देखो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है। सर क्या बोलोगे, यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस इज नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन हूम, ऑन ब्लॉक, मतलब फ्रिक्शन ब्लॉक पे लेफ्ट की तरफ लग रहा है और ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है, ब्लॉक राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन ने एनर्जी निकाल लिया। कमॉन पीपल, फ्रिक्शन ने एनर्जी निकाल लिया, एंड दैट इज द रीजन इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो घट घट के जीरो हो गया। बात को समझ में आया, जैसे एमजी ने फर्स्ट हाफ में एनर्जी निकाला था कुछ वैसा ही यहाँ पर फ्रिक्शन ने भी इस ब्लॉक से एनर्जी निकाल लिया, इसके काइनेटिक एनर्जी के अकाउंट को पूरा का पूरा खाली कर दिया। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि ये ब्लॉक गया, इसका काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो गया और ये ब्लॉक अपने आप फिर से उल्टा चलना चालू करता है, फिर से यहाँ पर पहुँच जाता है, और जब यहाँ पर पहुँचता है उसके पास उतना ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा? नहीं यार, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना यार। ब्लॉक जाएगा और फाइनली यहाँ पर रुकेगा तो रुक ही जाएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ था, फ्रिक्शन फिर से उस ब्लॉक को रिटर्न वो काइनेटिक एनर्जी नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ब्लॉक अपने आप फिर से रिटर्न आएगा और जब वो इसी पोजीशन में पहुंचेगा तो उसके पास उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर एक बार अगर ये पूरा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुका है, जीरो हो चुका है, उसके बाद इस ब्लॉक को और काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी यहाँ पर फ्रिक्शन ने जो वर्क डन निकाला है, इस वर्क डन के कारण जो ये काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हुआ है जनता, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। देखो थर्मल एनर्जी तुमको क्लास 11 में ही जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। बट ऐसा समझ लो कि किसी बॉडी के पास अपने टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। क्या कहा मैंने जनता, किसी बॉडी के पास अपने ही टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी वो पोजेस करता है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, सबको रियलाइज होगा कि अगर हम चीज़ों को घिसते हैं, अगर ये ब्लॉक इस ज़मीन पे घिसेगा तो ज़मीन गर्म हो जाएगा, ब्लॉक का बॉटम सरफेस भी गर्म हो जाएगा, और ये गर्म जो हुआ है हम ये कह सकते हैं कि इनका थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो चुका है। और इंक्रीज हुआ तो कहाँ से हुआ है,
ये एनर्जी आया, थर्मल एनर्जी आया, तो आया कहाँ से? यही जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा का पूरा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। और एक बात बता दूँ, थर्मल एनर्जी को तुम रिवर्स करके रिटर्न सप्लाई नहीं कर सकते। थर्मल एनर्जी इज़ नॉट रिवर्सेबल। एक बार तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये थर्मल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। पिछले वाले एग्जाम्पल में जहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका था, पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन थर्मल एनर्जी नहीं हो सकता। ये हीट के फॉर्म में वेस्ट हो चुका है, अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। बात समझ में आया? तो ऐसे केस में देखो, फ्रिक्शन ने नो डाउट जब ये ब्लॉक ट्रैवल कर रहा था, एनर्जी निकाल तो लिया, एनर्जी का चोरी तो कर लिया, लेकिन उसको बचा नहीं पाया, सेव नहीं कर पाया, रिटर्न इस ब्लॉक को फिर से रिटर्न नहीं कर पाया। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बुलाते हैं? ऐसे फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम क्या बुलाते हैं? चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्सेस हो, है ना? और एक एग्जांपल देता हूँ, सोचो ड्रैग फोर्सेस हो। ड्रैग फोर्स पहले भी बताया था, है ना, जब कोई रॉकेट यू नो एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करके आता है, तुम लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, उसका आउटर सरफेस गर्म हो जाता है क्योंकि उस पर एयर ड्रैग लगता है। ये जो सारे हैं, दिस आर ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बिकॉज ये एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पाता, एनर्जी को सेव नहीं कर पाता। एनर्जी को सेव नहीं किया तो रिटर्न कैसे करेगा? तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बात समझ में आया? तो सीधा सीधा सिंपल तरीके से अगर बताया जाए, एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। जब नेगेटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और जब पॉजिटिव वर्क करेगा वही पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे सिस्टम के पास फिर से चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। लेकिन जब एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है ना, जब एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है ना, नो डाउट वो एनर्जी निकाल तो लेता है लेकिन इसको सेव नहीं कर पाता, उसको कंजर्व नहीं कर पाता, रिटर्न दे नहीं पाएगा। मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्सेस, ड्रैग फोर्सेस थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसके लिए सिर्फ एकमात्र फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। कम ऑन पीपल, बोलो, समझ में आया नहीं आया? इज दैट क्लियर? पक्का श्योर? ओके फाइन, चलो। सो ये वाला जो वीडियो है, ये मैं यहाँ पर ही कंक्लूड करता हूँ। बट कंजर्वेटिव एंड स्पेशली कंजर्वेटिव फोर्सेस का कहानी अभी भी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम उन टेस्ट के बारे में डिसाइड करेंगे, जिन टेस्ट के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। दिस विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। फील फ्री टू कॉमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।